ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा न्यू भावपुर खंड के राष्ट्र को समर्पण, प्रयागराज में परिचालन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन एवं न्यू भावपुर न्यू खुर्जा स्टेशन से प्रथम मालगाड़ी का शुभारंभ की आज के इस कार्यक्रम में, जिनका आज सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, सभी माननीय सांसदगण, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, रेल परिवार से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में और जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को औद्योगिक विकास की दिशा से यह एक नया उपहार आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। हमारे लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हम सब जानते हैं कि भारतीय रेल देश की विकास की एक जीवन रेखा है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण प्रदेश के विकास में भारतीय रेल की भूमिका यह सर्वविदित है। बड़े रेल नेटवर्क के साथ ही उत्तर प्रदेश भारतीय रेल के परिचालन में अपना एक विशिष्ट स्थान भी रखता है। चार क्षेत्रीय रेलों द्वारा सेवित हमारे प्रदेश में रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री एवं वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स प्रोडक्शन यूनिट्स है। उत्तर प्रदेश में आवागमन के त्वरित साधन की दृष्टि से भारतीय रेल का जो महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो पहले खंड का न्यू खुर्जा न्यू भावपुर आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है, यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दृष्टि से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है, जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हमें नए अवसर सृजित करने का एक हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर का आज का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है।
विगत 11 वर्षों से चली इस परियोजना में जो गति पिछले 5-6 वर्षों के अंदर आई, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और इस गति के कारण ही न केवल यह फ्रेट कॉरिडोर अपने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा, बल्कि इसका लाभ देश के एक बड़े भूभाग को प्राप्त होगा। भारतीय रेल कोविड-19 के इस कालखंड में किस रूप से देश के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है, हम लोगों ने कोरोना के इस कालखंड में इसकी उपयोगिता को तब देखा है जब लगभग 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय रेल ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचाने में एक अभूतपूर्व योगदान देकर के रेल के प्रति और शासकीय व्यवस्था के प्रति एक नया विश्वास अंतिम पायदान पर खड़े हुए नागरिक के मन में भरने का कार्य किया था। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि भारतीय रेल की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस तथा भारतीय रेल की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत भी राज्य में संचालित हुई थी। प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के दौरान मानव रहित संपार फाटक तेजी के साथ हटाए गए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में जान माल की हानि को रोकने में मदद मिली है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में लगभग 6,000 से अधिक वर्तमान में नई लाइन आमान परिवर्तन तथा डबलिंग की परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनके पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बेहतर एवं त्वरित रेल यातायात सुलभ होगा एवं मालगाड़ियों की गति में भी सुधार होगा। मुझे विश्वास है कि रेल की जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, ये अधिक से अधिक मात्रा में प्रदेश के एमएसएमई इकाइयों से के साथ अपना संवाद बना करके प्रदेश की एमएसएमई यूनिट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से एक नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इन सभी यूनिट को भी भारतीय रेल का सानिध्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और प्रयागराज में परिचालन नियंत्रण केंद्र के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उनके मार्गदर्शन में माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने जिस स्पीड के साथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री जी का और पूरे रेल परिवार को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि राज्य सरकार से जुड़े हुए जो भी मामले भारतीय रेल से संबंधित और रेल के विकास से संबंधित होंगे, हम लोग आपसी संवाद के माध्यम से इन सब का समाधान करेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए